बताना यार कि अभी आकिब जावेद भाई का इंटरव्यू हो रहा था मैच के बाद, तो उन्होंने ऑब्वियसली सारे मैचेस हारे तो डिसअपॉइंट तो होंगे, लेकिन दो तीन बातें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कही। एक तो उन्होंने कहा कि यार आप हमारे सारे मैचेस देखें, बड़े नेल बाइटर जा रहे हैं, हम आसानी से नहीं हार रहे, 2% हमें लक चाहिए होती है, वो लक हमारे साथ नहीं है, और फिर हमारे प्लेयर्स का आना जाना लगा हुआ है, बहुत सारे प्लेयर्स आ ही नहीं रहे, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तरह से अगर उनकी ये बात बिल्कुल ये सही भी है, एज अ कोच उन्होंने ऑब्जर्व किया है, मैचेस तो सारे ही उनके नेल बैटिंग हुए हैं। मतलब कोई भी मैच ऐसा नहीं हुआ है कि बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हार गई हो लाहौर कलंदर आखिर तक ले जाके, या आखिर तक हारे बैटिंग में या बॉलिंग में ये लोग गए। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज जरूर बोलूंगा कि जब आप पिक कर रहे होते हैं ड्राफ्टिंग के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि जी कि आप जिस प्लेयर की तरफ जा रहे हैं, आपको होमवर्क इतना तगड़ा होना चाहिए कि जी के ये लड़का हमारे लिए 2 मैच के लिए अवेलेबल होगा, या 4 मैच के लिए अवेलेबल होगा, या पूरे PSL के लिए अवेलेबल होगा। उसकी इंजरी कैसी है, उसकी फॉर्म कैसी है, क्या वो रिहैब से करता हुआ आ रहा है या स्ट्रगल कर रहा है अपनी फॉर्म में। तो ये वो टीम का पार्ट होता है कि जो आप ड्राफ्टिंग के लिए, ड्राफ्टिंग से पहले 3-4 महीने से पहले से आप ना होमवर्क कर रहे होते हैं। एक तो एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, आना जाना देखें ये तो किस्मत की बात है, कोई आके नहीं खेला अनफिट हो गया, ये भी हमने देखा है, ऐसे भी प्लेयर्स हैं। हम डेविड वीजे की बात करें, 2 मैच के बाद वो अनफिट हो गए, फिर 3-4 मैच में मैचेस में वो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन आज जब वो नजर आए तो फर्क वाकई एक आता है, इम्पैक्ट पड़ता है, मैं इस चीज को जरूर बोलूंगा। लेकिन बात ये अशर भाई, मैं कैप्टनसी की मैं बात करता हूँ, अभी मैं बॉलिंग स्कोर कार्ड देख रहा था, आपने एहसन हफीज से 1 ओवर करवाया, 17 रन उसने दे दिए, तैयब अब्बास ने 3 ओवर किए, 24 रन दिए, और उस बच्चे ने 2 आउट किए, बिल्कुल आपने 1 ओवर उसका जाया करवा दिया। अगर आप उसी कंटिन्यू फॉर्म पे, जब उसकी फॉर्म लगी हुई थी, उसने 1 आउट किया था, वहीं पर ही आप उसका 1 और ओवर करवा देते, तो आपके पास 4 ओवर हो जाते। तो 4 ओवर में हो सकता है उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, तो वहां पर वो एक आध विकेट और ले लेता, प्रेशर बदलता, डॉट बॉल आती। तो यहां पर कैप्टेंसी का बहुत बड़ा मैटर है, मैं फिर बताऊंगा इसमें, क्योंकि आपने 7 बॉलर आज यूज किए हैं, डेविड वीजा और आप सिकंदर रजा ने 7 ओवर किए हैं, उनके रन तो देखिए उन्होंने कितने कम रन दिए हैं, डेविड वीजा ने तो 3 ओवर किए हैं, और एक टाइम पे अट्ठाईस डेविड वीजा अट्ठाईस इनके बेस्ट हाँ बॉलर थे। हाँ बिल्कुल, जो जो कल हमने देखा क्वेटा की तरफ से हुआ था कि 2 बॉलर से 100 रन दे दिए थे। देखिए बात ये ना अशर भाई, क्रिकेट है ना, आपको क्रिकेट को बहुत कैलकुलेट लेके करना पड़ता है, बहुत चीज चीजें आपके पास इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि आपकी जो सीनियर प्लेयर्स है ना, टीम में अंदर मौजूद होना बहुत जरूरी है, वो कैलकुलेट करके आपको पूरा देते हैं मैच। मैं यहाँ हफीज की एग्जाम्पल जरूर दूंगा, हफीज जब कलंदर में थे तो हफीज बहुत कैलकुलेट लेके इनको चलाते थे मैच को, लाहौर कलंदर्स को।